फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या होता है इसका, देखो एक पैटर्न होता है नंबर का, किसी भी नंबर का एक पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीरीज होती है नंबर की, ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे मान के चलो कि पहले फुल फॉर्म लिखते हैं इसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या होता है, नंबर का प्रोग्रेस होना, नंबर की सीरीज बनाना। मान के चलो मैंने एक नंबर की सीरीज बनाई, नंबर हमारा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे एन तक नंबर जाता है, होता है ना, मत लिखो अभी समझो। ये हमारी नंबर की एक सीरीज है, नंबर सीरीज हमारी ऐसी भी होती है, 2, 4, 6, 8 ऐसे एन तक मान लो जा रहे, 1, 3, 6, 9, 11, 2, 5 7, 6, 5, 4 ऐसे भी नंबर जा रहे हैं। तो अलग अलग नंबर के अपने पैटर्न्स होते हैं, लेकिन अगर हम एक खास पैटर्न को फॉलो करें, एक खास पैटर्न जिसमें एक फिक्स नंबर का डिफरेंस है हर नंबर के बीच में, तो उसी नंबर को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं इसे। एपी की कंडीशंस होते हैं, कंडीशन क्या होते हैं, मान के चलो ये नंबर है, अब देखो ये इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का। ऐसे अगर हर नंबर के बीच में सेम टर्म का डिफरेंस आ रहा है और ये नंबर हमारे जाते जा रहे हैं, चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, मैटर नहीं करता, बस डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज का सीक्वेंस मतलब सीरीज का नंबर की सीरीज का एक ऐसा पैटर्न जिसमें सेम नंबर का डिफरेंस बार बार है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। जैसे ये देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी सेम है, सबके बीच में फिक्स डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलेंगे क्या, एपी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है और 1 के बाद 3 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया, 3 का 6 आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया, 6 का आ गया 9, 3 का डिफरेंस 9 का आ गया 11, 2 का डिफरेंस, तो ये एपी नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर का डिफरेंस नहीं आ रहा। आई बात समझ में? तो एपी एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पे सेम नंबर का डिफरेंस आता है, एक कॉन्स्टेंट डिजिट का डिफरेंस आता है हर दो नंबर के बीच में। आई बात समझ में, श्योर है आप लोग? चलो अब इसको समझते हैं और तरीके से। अब हमें ना जैसे मान लो नंबर दे रखा है, नंबर मान लो दे रखा है पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 ऐसे करके मान लो एन तक गए हम लोग, तो हम इन नंबर्स को ना कितना ही लिखेंगे तो हम जनरली ना इनको टर्म्स के बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, क्या लिखेंगे, इसको कई बार T1 लिखा जाता है और कुछ लोग क्या होते हैं A1 भी लिखते हैं। आई बात समझ में? हमारे एनसीईआरटी में A1 के टर्म में, तो A1 के टर्म में पढ़ो आप, तो क्या बोलेंगे इसको, A1 मतलब पहला टर्म फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4, इसको क्या बोलेंगे A5, और लास्ट में करते करते A10। आई बात समझ में? लास्ट टर्म। अब इसको ऐसे समझो, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 या फिर इसको हम कई बार A भी बोलते हैं। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड टर्म इज इक्वल टू A2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू A3। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A4। इनके फॉर्मूले ही बनते हैं, समझना पूरी बात। अच्छा, इन दो नंबर के बीच में जो फिक्स नंबर का डिफरेंस आता है ना, उसको हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखते हैं डी को, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा, होता भी तो है सबके बीच का कॉमन नंबर है, है ना, मैं इन दोनों के बीच का कॉमन नंबर, इन दोनों के बीच का कॉमन नंबर है ना, तो सबके बीच का कॉमन नंबर इसलिए कॉमन डिफरेंस डी। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डी आएगा, इनके बीच में भी क्या आएगा, डी आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया बन जाएगा A1, मान लो 2 है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच में 2 है, तो 2 और 2 4 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हर नंबर में डी जोड़ दो, अगला नंबर बनता चला जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे A1 को ना फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं, लेकिन सेकंड टर्म उसको लिखने का एक तरीका और भी है, डी के फॉर्म में क्या लिखते हैं, A2 - A1, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। नहीं समझे? एक तरीका और भी है, ध्यान से देखो, इसको छोड़ो, इसको ऐसे लिखो A+D। ये समझ में आया? पहले में डी को जोड़ो, दूसरा बन जाएगा। बात समझ में आ रही? अब मैं तीसरा नंबर निकालना, कैसे निकालेंगे, तो पहले तो A ले लो और तीन टर्म है, दो बार डी को जोड़ दो, 2D कर दो। आई बात समझ में? A4 है तो क्या लिखोगे, A+ में 3D।
आई बात समझ में, मतलब कि जो टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं रैंडम, मान लो यहाँ से लेकर भाई एन नंबर तक हम जा रहे हैं, बीच में कोई सा भी टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बनना चाहिए ना उसका। तो फॉर्मूला क्या बनाया, मान लो मुझे निकालना है A19, तो क्या लिखूंगा, A प्लस में 18D, 19 नंबर निकल जाएगा हमारा। आई बात समझ में? नहीं समझे, क्लियर हो गया सबको? ये सुनो, अगर मैं लिखूं A100 तो क्या बनेगा, A प्लस में 99, ठीक है भाई, कोई सा भी नंबर निकाल लो। अगर इसी को ना मान लो कि P के फॉर्म में दे रखा, मैं लिखूं AN निकालना, तब क्या करेंगे? तो सही, तो नया टर्म आ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं। A तो पहले तो A लिखेंगे, फिर अच्छा यहाँ पे 100 था तो क्या लिखा था मैं, 99 कम किया था ना, यहाँ पे 19 था, क्या लिखा था 18D, यहाँ भी कम कर दो, क्या लिखो N-1D, खत्म। क्या करना है, नहीं समझे, मुश्किल है क्या? चलो एक और करते हैं, मैं लिखूँ AM, M टर्म निकालो तो क्या हो जाएगा, A प्लस में M-1D। मैं लिखूँ AP तो क्या हो जाएगा, A प्लस में P-1। ये ना टर्म्स है, कौन से टर्म्स है, रैंडम, pth टर्म, 19th टर्म, 100th टर्म, nth टर्म, mth टर्म, pth टर्म, इन सभी टर्म, इतने सारे नंबर में से कोई सा भी नंबर निकाल लो, ये तुम्हारा मनपसंद हो जिससे उसका नंबर स्टार्ट होता हो, ये समझे, है ना, चलो खुश हुआ होता है सबको, ठीक है, समझ आए सबको? तो जिससे भी तुम्हें जिसका भी नंबर निकालना हो तो तुक्के लगा लो, मैं निकालो 100th नंबर निकालना है, A प्लस में 99, है ना भाई, तू तो इंजेक्शन का नंबर लगवा। समझ आया सबको? ये हमारा बेसिक टर्म है। तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला, सेकंड टर्म का फॉर्मूला ये वाला, ऐसे हम हर टर्म का निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझो आप, है लास्ट टर्म जो होता है ना हमारा, AN होता है, इसको बोलते हैं रैंडम टर्म। एक हमारा होता है जनरल फॉर्मूला, किसी भी टर्म को निकालना होगा ना, किसी भी टर्म को, अब जैसे मान लो एक से लेकर अनंत तक आपको AP दे रखा है, एक से लेकर इनफिनाइट तक का AP आपको गिवन है, आपको रैंडमली कोई सा भी टर्म निकालना है, आपको A गिवन है, क्या गिवन है, A गिवन है, मतलब AP गिवन है, और आपको बोले कि भाई आप बीच का कोई नंबर निकालो, तो क्या करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं हम AN, तो A पहला टर्म ले लो और आपसे जो नंबर पूछा है उसमें कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो, तो N-1D, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, रैंडमली कोई सा भी टर्म निकाल लेते, आई बात समझ में, क्लियर हो गया? मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि इसका 8th टर्म निकालो, कौन सा टर्म निकालो, अब देखो इसका मुझे 8th टर्म निकालना है, ध्यान से देखो, तो मुझे ए पता है कितना दे रखा है, ये कितना है यहाँ पे 2 दे रखा है, मैंने 2 लिखा, डी कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, कहीं से माइनस कर दो, तो नेक्स्ट वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस कर दो, आपको डी मिल जाएगा, तो यहाँ पे डी कितना आ जाएगा 2, मुझे कौन सा टर्म पूछा है, 8th टर्म, तो ए 8 लिखा मैंने, इसमें लगा दो A प्लस में N, N की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इस बार 8, तो 8 और 7 तो 7D हो जाएगा, मतलब कि A हमारा कितना था 2 प्लस में 7 और D कितना था हमारा 2, आंसर क्या था 7 × 14, 14 × 16 आ गया, ये हमारा 8th टर्म आ गया 16, इस टर्म में 8th टर्म 16 ही बनेगा, तुम काउंट करके देख लेना, फिर तो उससे पूछ लो बता देगी, उससे कहीं ज़्यादा होगा तुम्हें, समझ आया सबको, देखो नहीं पता है, पहले तो ना पकड़ के रखा करते ध्यान से, उसके बाद बाकी बात करेंगे, कैसे नहीं बुरा मान जाए, समझ में आया सबको? Yes, अच्छे से क्लियर हुआ, नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते जल्दी करिए। A3-A2 वो हम उसको नए तरीके से लिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट करो, करा दूंगा उसको, वो भी हो सकता है, इसको पॉज करना नोट के लिए, पॉज करना, समझ में आया, समझ गया ना, समझा कर यार, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। देखो तो हमने अभी जो टर्म सीखा उसके लिए तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, देखो क्वेश्चन है फाइंड द एपी अप टू 5 टर्म, ठीक है भाई, 5 टर्म तक का तुम्हें एपी खुद बनाना है, और फॉर्मूला क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है AN इज इक्वल्स टू नहीं n² - 2। ये फॉर्मूला है, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल्स टू 2 और D इज इक्वल्स टू 1/2, तीसरा क्वेश्चन है A इज इक्वल्स टू 3 और D इज इक्वल्स टू 0, और चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि AN इज इक्वल्स टू
टू एन स्क्वायर प्लस में थ्री अपॉन में टू। ठीक है भाई, ये तुम्हारा चार क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, एपी खुद बनाना है। कहां तक बनाना है, अप टू फाइव टर्म्स। मतलब क्या होता है कि आपको इन सभी में इस यहाँ पर एक बार n की वैल्यू वन लेनी है, n की वैल्यू टू लेनी है, n की वैल्यू थ्री। जो लोगे वो टर्म बन जाएगा। n इज इक्वल टू वन लिया तो क्या हो जाएगा, ए वन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ए इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू टू लिया तो क्या हो जाएगा ए की। मैं कैसे दिखा दूंगी, जैसे मैं एक नया क्वेश्चन करता हूँ, ए एन इज इक्वल टू गिवन है सिक्स एन स्क्वायर प्लस में सिक्स, ऐसा क्वेश्चन गिवन है। मुझे पांच टर्म का एपी बनाना है, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जस्ट मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू वन। जब n की वैल्यू वन लूंगा तो a वन बन जाएगा। नहीं समझे भाई, n की वैल्यू वन लिखा मैंने तो a के बाद वन आ जाएगा, a वन मतलब पहला टर्म। अभी क्या बनेगा, तो सिक्स और n की जगह पे वन का स्क्वायर प्लस में सिक्स, आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस में सिक्स आंसर इज ट्वेल्व। ए वन कितना आ गया हमारा है?